गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मम्मी के डायलॉग मैंने चुरा दिया। आगे बताओ। और आज है मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो आज हम लोग वहाँ जाएंगे। तो जब आएंगे तो आप लोग से मिलते हैं और आप लोग को छोटी छोटी क्लिप दिखाने की कोशिश भी करेंगे। बाय। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays and on and on. जी, ये हम स्कूल पहुंच चुके हैं। ये आप बहुत अच्छे से क्लास देखे हैं जो कि स्कूल के बाहर कंपाउंड में है। आप हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप सिर्फ फर्श देख रहे हैं क्योंकि सभी लोगों की प्राइवेसी होती है जो कि दिखाना सही नहीं है। ठीक है, तो अब बस हम लोग क्लास की ओर पहुंचने वाले हैं और आगे की क्लिप नहीं ले पाए क्योंकि क्लास में अलाउड नहीं होता है, क्योंकि हर किसी को लगेगा कि क्यों ले रही है। तो मैंने प्राइवेसी भी रखने की वजह से मैंने अंदर की कोई भी क्लिप नहीं ली है। मे भी आप सब समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग वहाँ स्कूल से निकल चुके हैं। अच्छा, ये आपको दिख रहा है लुल्लू मॉल, जो कि ये मेरे घर की तरफ पास में पड़ेगा। बस बहुत जल्दी ये भी ओपन होने वाला है। सारा लखनऊ अब बस यहीं पे आने वाला है इसको देखने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को जाना था किसी और मीटिंग में आलमबाग के साइड, तो अब हमें जाना है उस तरफ। तो मैंने कहा जब उस तरफ जा रहे हैं तो मेरी बहन भी वहीं रहती है, तो मैंने कहा चलिए उसके घर ही चलते हैं और आप अपनी मीटिंग करने जाइएगा। और मेरी सिस्टर को ये चीज़ नहीं पता है कि मैं उसके पास आ रही हूँ, तो ये उसके लिए एक सरप्राइज़ रहेगा। तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, उसको सरप्राइज़ ही देते हैं। तो तब तक आप गाने का एंजॉय करिए, ठीक है? फिर आगे मिलते हैं। तो अभी हम लोग अपनी बहन के घर आए हैं, जिसको आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के आलमबाग में एक कस्मा के पास जाना था, पिकाल्डी होटल में एक मीटिंग थी। तो उन्होंने बोला कि चलो जब तक तुम लोगों को, मैंने बोला, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला होटल चलते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, चलिए अब मुझे बहन के घर छोड़ दीजिए, उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको हम लोग सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो जब तक हस्बैंड की मीटिंग होगी वहाँ पे, तब तक हम लोग यहाँ आ गए हैं। ठीक है, चलिए उसका रिएक्शन देखते हैं क्या है। मेहंदी लगा के बैठी है, क्या लगाई थी मशीन? तो बढ़िया दिया कम्बल वो पानी खड़ी जा। हाँ, छोला भटूरा तो पापा होते चे होते ना, ना फोन कहियो है एलडीए वाले में ऐसा जाते होते खाना ऐसे सीमेंस स्कूल के सामने होते बोले। तो फोन करे ना करके मैं सुबह ना सब होते चले छोला भटूरा खाए रखा इतना बनता छोला भटूरा वो होते खाए मैडम। तो आपने बाहर सरप्राइज दे दिया। पंखो तेज में हिला रखा है सुखी वेनो चटाई बिछाई घर में हिलाना है पंखो तू कर। अच्छा ठीक है, वो ना तो मैं चटाई बिछा रखा है बाहर। ना ना निकले ना, ये मैं पोछो लगाया बजे अपनी बहन को दे दिया है सरप्राइज। बेचारी बिजी थी और इतना बिजी थी उसको पता भी नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं। लग रहा है ना, फील हो रहा है थोड़ा कि बता देते, बहुत ज़्यादा बिजी थी। बालों में मेहंदी लगाई बैठी है, फ्रंट में नहीं आ रही है।
तो लेकिन तो अच्छा हमारे चढ़ गई ना कलर ही था साक्षी जी भी सुठो काने पतंजलि जी हां मां तो ने मैं नेट से रिव्यू पढ़ा होया ये मेरी बहुत नटखट बहन है हां जो साइकिल में बैठ के मामू की एंटरटेनर है हम लोग ये बहन नटखट जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि नीतू बहुत ज्यादा नटखट है तो अच्छा लगता है ना इस बहाने मिल लेते हैं चीनी कपड़े पे ये मुझे झूठी हुई पूछा थी यो ये लगे तो नन्हे में झूठो खा गई कर दिया घड़ी भी जाएगी सर बस एक चम्मच पराठे 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 चलो लगाए ना तुम्हारे मुंह पे नहीं करे तुम्हारे मुंह पे करे देखी मिल गई इसको दही अपनी मासी के घर पे दही की दीवानी और ये रही मेरी चाय चाय मेरे पराठे तो ये मेरे थे आलू के पराठे और साथ में चाय का एंजॉय किया किसकी शादी में कर रही हो भैया अभी तो तुम्हारे मामा की तो शादी नहीं हो रही है तो तुम ढोलक के बजाने की अभी से प्रैक्टिस कर रही हो क्यों तुम क्या कर रही हो ये कौन सा टॉवर है हाँ तो यहाँ पे मेरे सैया सुपरस्टार हम लोग को लेने आ गए हैं फाइनली मीटिंग हो गई इनकी अब हम लोग को लेने आ रहे हैं तो बस अच्छा यहाँ पे मेरी बहन ने बढ़िया बना के रखी थी जो उसकी सूख रही थी मेरे से बोली कि ले लो पर मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि मेरी साउथ वाली जो फ्रेंड आपको दिखाया था ना पहले ब्लॉग में तो उसने भी मुझे साउथ से ला के दी थी तो मैंने कहा कि अभी मत देना छोला भटूरा इसको ये कह रही छोला भटूरा खाना है हमको बैठ गई है ये कह रही थी कि हमको पूरा वैसे कट करके खुद खाना था वैसे खाना था ना तुमको कट करके वैसे खाना था ना बड़े में फाड़ नहीं दी हां तो है कट ही गए उन्होंने लगाए रखे हैं हां लगाए रखा ये गुस्सा हो गई है पीछे पीछे ना गांव के खड़े रहे और नीचे से चीख और नीचे गिर गई पाए पाए ये मेरे सैया सुपरस्टार के लिए सेवा की गई है इतने सोलर लाइट ना लगाते ना
लग गया। तो हम लोग चलते हैं। ये देखो चुप रही है। अरे यार बाहर वाले से निकल ले जाती है। खोल ब्लॉग में दो बाय। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर। हम लोग जा चुके थे, आधे रास्ते में पहुँचे थे, फिर इस बहन का फ़ोन आया कि तुम अपना पर्स भूल गई हो। मैं अपना पर्स इसी के घर पे भूल गई थी, कहीं तो मैं आधे रास्ते तक ही थी, मैं पूरा नहीं पहुँची। तो फिर हम लोग तुरंत आ गए और अपना पर्स वहाँ से मचो मैं मत्थे को फेंक ही रख जाए, मत्थे को फेंक ही रखे हैं, कुछ हुए भी कान पता नहीं। साली की रिसरो हैं। हाँ तेरा दो। तो यहाँ मेरी बिटिया रानी को छोले भटूरे खाने थे, हालांकि मेरे बहन ने बोला था खाना यहीं खा के जाना है, उसने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इसको जिद थी कि मेरे को छोले भटूरे ही खाने थे। तो फिर बोला कि चलो अच्छा चलते ही हैं, फिर खाना यहाँ नहीं खाते हैं तो बाहर ही खाते हैं। तो दोनों पापा बेटी ने वहाँ पर छोले भटूरे खाए, मैंने नहीं खाए क्योंकि मैंने पराठे खाए हुए थे आलू के, जो कि बहुत हैवी थे और पेट ऑलरेडी फुल हो चुका था, तो नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं बचा था पेट में। अच्छा जी तो आ जाते हैं अब हम लोग सब्जी पे। और हम लोग वहाँ से आ गए थे शाम को, तो ऐसे ही रेस्ट कर लिया था। फिर मैंने 6-7 बजे अपने खाने रात की तैयारी करने लगी। यही जो आपने देखा वो सहजन के फूल थे, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं इसकी सब्जी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब बस मैं ये सब्जी बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई आपने देख ली, मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला, अच्छे से गर्म हो गया है जिसमें से धुआँ भी निकल रहा है, ठीक है। इसमें मैंने डाल दी है हींग और डाल दिए मैंने 2 प्याज कट किए हुए थे, स्लाइस चॉप्ड किए हुए थे वो डाल दिए। अब ये थोड़े से पिंकिश में आ जाएंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, अभी बस होने वाला है कलर चेंज, तो बस ये कलर चेंज हो गया है। तो उसके बाद मैंने ये 2 टमाटर थे वो मीडियम साइज के थे वो मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद ये मैंने ये 7-8 हरी मिर्च है वो कट करके डाल दी है, ठीक है। इसको अच्छे से सौते करेंगे और टमाटर को अच्छे से गलाने हैं। यहाँ पे सारे मैं मसाले डाल दूँगी, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है और धनिया पाउडर डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने अभी नमक नहीं डाला है, मैं लास्ट में डाल दूँगी एक साथ में। तो अभी इसको टमाटर को अच्छे से गलाना है। मेरे पास थोड़ी सी हरे प्याज भी रखे थे और 1-2 हरी लहसुन रखी थी, तो मैंने दोनों को मिक्स करके वो भी डाल दिए हैं। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप उसके जगह पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये पत्तियाँ रखी थी तो मैंने यही डाल दी, अदरक मैंने नहीं डाला। इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। देखिए अब टमाटर भी गलने लगे हैं। अब ये जो सहजन के फूल थे इसको मैंने अच्छे से वॉश करके बॉयल करके इसको जैसे आलू मैश करते हैं ना, ऐसे ही मैंने इसको भी मैश करके तब इस सब्ज़ी में डाला है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं वो दिखा पाती, क्योंकि ये मैंने बॉयल करके पहले एक दिन पहले ही रख दिया था कि मुझे नेक्स्ट डे ये बनाना है। हालाँकि ये दोपहर में बनाने वाली थी बट सडन प्रोग्राम वहाँ का बन गया तो ये मैंने फिर रात में बनाई है, ठीक है। तो बस आप समझ लीजिए उसको जो सहजन के फूल दिखाए उसको अच्छे से धुल के वॉश कर लीजिएगा, मिट्टी बहुत होती है, उसके बाद उसको बॉयल करके और उसको मैश कर लेंगे हाथों से। यहाँ पे थोड़ा सा डाल के भुनाई कर ली और थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं इसको
लो फ्लेम पे ढक के रख दूंगी। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सॉल्ट भी डालना था, यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया है, मिक्स कर देंगे। बस ढक के इसको लो फ्लेम पे हम कर देंगे और बस ये अपना पकता रहेगा। ऑयल सेपरेट होने लगेगा ऑयल, तो बस समझ जाइएगा कि सब्जी बनने वाली है। एक बार थोड़ा सा और स्टर कर लूँगी इसको मिक्स करके, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। इसको मैंने फिर से ढक दिया है। अब बस फाइनली तेल सेपरेट हो गया अच्छे से, और अब बस और कुछ नहीं करना, इसको मिक्स करके अब बस मेरी सब्जी रेडी है, सहजन के फूल की। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी वाकई में यकीन मानिए बहुत ही अच्छी बनेगी। आप भी ऐसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको। बस अब इस सब्जी को मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। सो लुक एट हियर, क्या तो कलर है, रियली में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है देखने में, लग रहा है ना। और बस ऊपर से क्या कहना हरे धनिया का, तो इसके साथ उसको डालने से तो सब्जी का कलर ही निखर जाता है। अच्छा साथ में मैंने बनाए थोड़े आलू फ्राई किए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सहजन के फूल के साथ आलू का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। वाणी भी ट्यूशन से आ गई, उसको दिन में खाना नहीं खाया था, वही जो छोले भटूरे खा के आई थी, तो ट्यूशन से आने के बाद उसे भूख लगी, तो मैंने इसलिए जल्दी सब्जी बना रखी थी कि उसको भूख लगेगी, तो मैंने खाना दे दिया है इसको। और अच्छा हम लोग को चाय पीनी थी, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ चाय पी रहे हैं और ये खाना खा रही है, तो बस ये खाना खा लेगी, उसके बाद ये अपनी पढ़ाई में लगेगी। जब तक हम लोग, मैं यहाँ पे चाय पीऊँगी, वो अपना खाना खा रही है, हम लोग की चाय हो जाएगी, उसका खाना चलता रहेगा, और फिर मैं अपनी पूजा करूँगी, आरती का टाइम हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे का काम स्टार्ट होगा। बस अब इसका खाना हो गया है, मेरा आरती हो गई है, अब इसको मैं थोड़ा पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि इसके 28 से एग्ज़ाम्स फाइनली स्टार्ट हो रहे हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम से, तो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसके लिए, भले ट्यूशन से पढ़ के आएगी इसको, लेकिन घर पे भी अब पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे देखिए इसको, जब मैं पढ़ाने के लिए बैठूँ ना, तो परपंच सारी दुनिया की करने लगेगी, स्कूल की अब सारी बातें बता रही है, और जब मैं वैसे पूछती हूँ तो जल्दी नहीं बताएगी, और जहाँ पढ़ाने के लिए बैठा लूँगी ना, सारे स्कूल की बातें बता डालेगी। अच्छा अब ये जो आप इतने सारे कपड़ों का गट्ठा देख रहे हैं ना, ये हर साल मेरे कपड़ों का चुनाव होता है कि आप कौन से कपड़े पहनने कौन से नहीं पहनने, तो ये मैं सारे कपड़े कलेक्ट कर रही हूँ
ज़रूरतमंदों को देने के लिए, जो कि अब मुझे नहीं पहनने होते हैं, या वाणी को छोटे हो चुके होते हैं, या मेरे हस्बैंड को भी नहीं पहने होते, तो सारे कपड़ों की छटाई होती है। गर्मी आएंगी तो सारे कपड़े गर्मियों के निकलेंगे, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, जो नहीं पहनना है वो हटा देने हैं। फिर सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो फिर सर्दी को कपड़ों में छटाई होती है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो सर्दियों में सर्दियों के ज़रूरतमंदों को दिए जाते हैं, गर्मियों में गर्मी के टाइम ज़रूरतमंदों को दिए जाते हैं जो नीडी पर्सन होते हैं। तो बस आप भी यही क्या करिए जो ना पहने हैं, तो लोग यही क्या करिए जो ना पहने हो, तो आप भी किसी को दे दीजिए कि ताकि वो पहन सकें। कभी ये हो जाता है कि आपको टाइट हो जाता है, या बच्चों को टाइट हो जाते हैं, या कभी नहीं मन होता है, तो इतने सारे आश्रम्स खुले हुए हैं, कहीं पे भी जाके दे आइए तो आपको दुआएं मिलेंगी। तो जी रात के बज रहे हैं 10, अब हम लोग का खाना लग चुका है। पूरा आज का दिन बिज़ी शेड्यूल रहा, और बिज़ी क्या रहा, मज़े भी बहुत किए, बाहर की आउटिंग हो गई, बहन से मिल आई, और क्या चाहिए। तो ये रहा हम लोग का खाना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहजन फूल आलू फुलका, ठीक है। तो आप भी बनाइए और बना के देखिए कैसा बना है, और मुझे कॉमेंट करके बताइए कि अच्छा बना या नहीं बना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, आज आपने देखा पूरा मॉर्निंग से लेकर रात तक का शेड्यूल, तो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। बीच में उधर जो बहन के कही थी, थोड़ी हम लोग की सिंधी लैंग्वेजेस हैं, तो सुन के एंजॉय करिए, थोड़ा बहुत हो सकता है ध्यान देंगे तो समझ में आएंगी बातें, नहीं आएंगी तो इसको सुन के एंजॉय करिए। मैं चाहती तो म्यूट कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी आप लोग भी सुने और थोड़ा एंजॉय करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।